हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्टिस पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर लॉगरिथम। तो आज हम लोग लॉगरिथम से सेकंड क्लास कर रहे हैं एंड आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एंड मैं आपको कुछ होम टास्क भी देने वाला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्लास देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किए थे, लॉगरिथम के फॉर्मूला सीखे थे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लॉगरिथम का पहला वीडियो। तो दोस्तों देखो आज का सबसे पहला सवाल क्या है। द इक्वेशन लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो कैन बी रिटन एज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो आपको सारे फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस लॉग ई बेस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वन याद कीजिए क्या है दोस्तों। अगर लॉग के बेस सेम है एंड वो प्लस आकार में है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर वन याद कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा इधर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ओके। चलो अभी जीरो किसका लॉगरिथम जीरो होता है दोस्तों, वन का लॉगरिथम जीरो होता है एंड बेस हम लोग सेम रखेंगे, इसको अरेंज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड इधर हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई बेस वन जिसका वैल्यू होता है जीरो, ओके। ये जीरो मैंने बहुत ही छोटा लिखा। चलो अब यहाँ पे लॉग ई दोनों तरफ लॉग ई है तो वैनिश कर देंगे इसको, तो रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू वन, ओके। तो इसको अगर अरेंज कर लेते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, वन को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा इजिकल टू जीरो। तो आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, ये वाला आंसर, ठीक है, ओके। चलो फटाफट से इसको लिख लो, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ओके। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखो क्या कहा गया है, इफ log 10 बेस a प्लस log 10 बेस b इज इक्वल टू log 10 बेस a प्लस b देन b कैन बी एक्सप्रेस एज इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें b का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को लिख लो, log 10 बेस a प्लस log 10 बेस b इज इक्वल टू log 10 बेस ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे प्लस आकार में है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस ए बी, ओके, ठीक है ना। एंड इधर क्या रहेगा, इधर यही रहेगा, ओके। चलो अभी इधर भी लॉग 10 है, इधर भी लॉग 10 है तो लॉग 10 लॉग 10 वैनिश हो जाएगा तो रह जाएगा ए प्लस बी, ओके। हमें किसका एक्सप्रेशन निकालना है दोस्तों, b का एक्सप्रेशन निकालना है तो b को हम लोग लेफ्ट में रखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ए बी एंड इस b को अगर इधर ले आते हैं तो माइनस भी हो जाएगा, इधर रहेगा सिर्फ a, ओके। तो यहाँ पे b कॉमन लो तो क्या रह जाएगा दोस्तों, ओके, कुछ ऐसा मिल जाएगा, b को इधर रख के बाकी इधर ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई आकार में है, इधर जाने से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट से, तीसरा एग्जांपल भी मैं लिख लेता हूँ, ओके। okay?
तो तीसरे एग्जांपल में क्या कहा गया है दोस्तों, इफ हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी बाई टू देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब इस इक्वेशन के सहारे हमें ए एंड बी के बीच का रिलेशन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी बाई टू। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों कोई भी बेस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सारे लॉग के लिए सेम बेस मान लेंगे। ओके, इसीलिए हम लोग बेस को नहीं लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये प्लस आकार में है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई आकार में। रूल नंबर वन, लॉग ए बी होगा यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। एंड ये वाला हाफ क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर बन जाएगा, इसका पावर ए प्लस बी। ओके, तो लॉग लॉग दोनों तरफ लॉग है तो लॉग वेनिश हो जाएगा, रह जाएगा क्या, पावर हाफ, एंड इधर रह जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ओके, इसका मतलब क्या है, पावर हाफ का मतलब है रूट ओवर ए प्लस बी बाई टू। ओके, तो रूट ओवर को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर हमें ए बी मिल जाएगा, एंड इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर मतलब फोर। ओके, चलो अभी क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको यहाँ पे। इसके बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड इधर फोर ए बी, ठीक है। तो फोर ए बी को इधर लाओ, प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इजिकल टू ज़ीरो, मतलब ए इजिकल टू बी। तो ये है ए एंड बी के बीच का रिलेशन। ओके, चलो अभी हम लोग होम टास्क लिखेंगे। पहला होम टास्क आज का, प्रूव दैट लॉग वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये है आज का पहला होम टास्क। चलो फटाफट से इसको लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहा गया है दोस्तों, प्रूव दैट लॉग बी बेस ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग सी बेस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फोर। एंड वही पे क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा गया है, सो दैट लॉग रूट ओवर ए बेस बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर बी बेस सी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रूट ओवर सी बेस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो दोनों को हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो लॉग सी, ओके, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, लॉग बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग, सॉरी ये बी हो जाएगा एंड इधर रहेगा सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी एंड लॉग ए। ओके, चलो अभी देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला लॉग ए यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं, सी। ओके, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ए बेस ए मल्टीप्लाइड बाई
log b base b multiplied by log c base c, ठीक है, 1 multiplied by 1 multiplied by 1, ठीक है, क्योंकि बेस एंड नंबर सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, ठीक है, तो ओवरऑल हमारा रहता है 1 इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड, मतलब ये हो चुका है प्रूव्ड, ओके। वहीं पे अगर 5 नंबर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लॉग रूट ओवर ए बेस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रूट ओवर बी बेस सी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रूट ओवर सी बेस ए, ओके, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। चलो अब इसको करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं, रूट ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग सी लॉग रूट ओवर बी लॉग ए लॉग रूट ओवर सी, ओके। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में अभी हम लोग इस बी को रूट ओवर के आकार में लिखने वाले हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रूट ओवर बी, उसका स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमें बी मिल जाता है, एंड नीचे क्या रहेगा दोस्तों, इस बी को यहाँ पे लाइए, रूट ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग रूट ओवर सी उसका स्क्वायर, एंड नीचे लॉग रूट ओवर सी, ठीक है, एंड यहाँ पे लॉग रूट ओवर ए का स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा लॉग रूट ओवर ए, ओके। पावर्स सामने आ जाएगा तो रह जाएगा क्या, लॉग रूट ओवर बी, नीचे भी लॉग रूट ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी चला आएगा लॉग रूट ओवर सी, एंड नीचे भी लॉग रूट ओवर सी, एंड यहाँ पे भी पावर सामने आ जाएगा ए, एंड नीचे भी लॉग रूट ओवर ए, ठीक है, ओके। तो ये सारे 2, 2, 2 ये तीनों मल्टीप्लाई आकार में है, तो ये बन जाएगा क्या, 8, ओके। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग रूट ओवर बी बेस रूट ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रूट ओवर सी बेस रूट ओवर सी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रूट ओवर ए बेस रूट ओवर ए, ओके। तो 8 के पीछे ये तीनों क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 8 है, ओके। तो ये हो गया राइट हैंड के साथ इक्वल, मतलब हो चुका है प्रूव्ड। फटाफट से इसको लिख लीजिए, ओके, बहुत ही सिंपल है। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूँ, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, देखो, प्रूव दैट 7 log 10 base 15 by 16 प्लस 6 log 10 base 8 by 3 प्लस 5 log 10 base 2 by 5 प्लस log 10 base 32 by 25 इज इक्वल टू log 10 base 3, ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा कि ये पूरा इसके साथ इक्वल है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, चलो इसको लिख लो पहले, लॉग 10 base 15 by 16, ओके, प्लस 6 log 10 base 8 by 3 प्लस 5 log 10 base 2 by 5 प्लस log 10 base 32 by 25, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम लोग ये सारे जो सामने हैं इसको हम लोग पावर में लगा देंगे, ओके, लॉग 10 base 15 by 16 इसका पावर क्या हो जाएगा, 7, ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, 8 by 3 का पावर क्या हो जाएगा, 6, ओके, प्लस यहाँ पे होगा 2 by 5 का पावर 5, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो ये सारे क्या है दोस्तों, प्लस आकार में है, ठीक है, ये सारे क्या है, प्लस आकार में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस
15/16 उसका पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 8/3 उसका पावर 6, 2/5 उसका पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 32/25। ओके ये हो गया। अभी सामने तो log 10 ही लिखेंगे एंड इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले तो जो भी ऊपर है उसको ऊपर ही लिखो, 15 का पावर 7, 8 का पावर 6, 2 का पावर 5 एंड 32, ठीक है। एंड नीचे क्या होगा दोस्तों, 16 का पावर सॉरी यहाँ पे 16, ओके 16 का पावर 7 एंड 3 का पावर 6, यहाँ पे 5 का पावर होगा 5 एंड 25, ठीक है ना। चलो log 10 ही रहेगा यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 15 को 3 एंड 5 के आकार में लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टोटल का पावर हो जाएगा 7 एंड 8 को आप 2 के आकार में भी लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब उसका पावर 6, 2 का पावर 5 एंड 32, 32 को हम लोग 2 के पावर में लिख सकते हैं, तो 2 का पावर यह होगा 5, ओके। नीचे क्या होगा दोस्तों, 16 को हम लोग 2 के आकार में लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 मतलब 16 एंड ओवरऑल पावर 7, 3 का पावर 6 है, 5 का पावर 5 ही है एंड यहाँ पे ये है 25 मतलब 5 का पावर स्क्वायर, ओके। इतना तो समझ में आ गया ना हम लोगों ने क्या करा। चलो अभी नेक्स्ट में इधर करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, log 10 ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। 3 का पावर 7 होगा मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 7 होगा एंड यहाँ पे 2 का पावर क्या होगा दोस्तों, 3 एंड 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 5, ओके। एंड नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 का पावर 4 एंड 7 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 28, 3 का पावर 6 ही रहेगा एंड यहाँ पे 5 का पावर 5 ही रहेगा, 5 का पावर 2 रहेगा, ठीक है, ओके। चलो अब इसका हम लोग पावर करेक्शन करते हैं, पावर्स को करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो 3 लेंगे 7, ओके एंड 3 कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है, नीचे मतलब माइनस पावर में, ठीक है। एंड नीचे जो 3 है उसका पावर क्या है दोस्तों, 6, तो माइनस 6 लगा देंगे, ठीक है। ऊपर जो 3 था उसका पावर 7 था एंड नीचे जो 3 था उसका पावर 6 था, तो ऊपर के पावर से नीचे को पावर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवाइड आकार में है, ओके। एंड उसके बाद अगर लेते हैं 5, तो 5 का पावर है ऊपर 7 एंड नीचे क्या है दोस्तों, माइनस 5 यहाँ पे एंड माइनस 2, ओके। अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, अगर डिवाइड होता है तो पावर्स को माइनस कर देते हैं, ओके। उसके बाद 2 को काउंट कीजिए, ऊपर क्या है दोस्तों, 18 प्लस 5 प्लस 5 एंड नीचे क्या है दोस्तों, 28, ओके। चलो इतना ही था। इसके बाद log 10, तो यहाँ पे 3 का पावर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा एंड 5 का पावर कैलकुलेट कीजिए, 7 से 5 गया 2, 2 से 2 गया 0, 5 का पावर है 0 एंड 2 का पावर 18 प्लस 5 प्लस 5 28 माइनस 28 मतलब इसका भी पावर 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है, ओके ये रह जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, log मिल गया जो कि राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है, मतलब हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। चलो इसको पूरा लिख लो, इसके बाद हम लोग होम टास्क लेने वाले हैं। तो पहला होम टास्क मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, होम टास्क नंबर 2, प्रूव दैट log दिख रहा होगा आपको,
प्रूव दैट लॉग क्या है, लॉग सेवन लॉग टेन बेस टेन बाई नाइन ओके प्लस थ्री लॉग टेन बेस 81 बाई 80 प्लस सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे इक्वल टू टू लॉग 10 बेस 25 बाई 24 एंड प्लस क्या है दोस्तों लॉग 10 बेस 2 ठीक है। तो ये है सेकेंड होम टास्क एंड यहाँ पे थर्ड होम टास्क लिखिए। थर्ड होम टास्क क्या है दोस्तों, ये भी कहा गया है प्रूव दैट थर्ड होम टास्क प्रूव करने के लिए पूछा गया है यहाँ पे क्या है लॉग 10 बेस 384 बाई 5 ओके प्लस लॉग 10 बेस 81 बाई 32 एंड क्या है 3 लॉग 10 बेस 5 बाई 3 ओके एंड इसके बाद है लॉग 10 बेस 1 बाई 9 इज इक्वल टू क्या 2 ठीक है ओके। तो ये है दो होम टास्क, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस जाएगा पूरा इन दोनों के लिए ओके। तो आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7866804794 ओके। सॉल्व कीजिएगा एंड पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, इसके लिए मुझे पूरा इरेज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों, देखो अगर log 2 का वैल्यू होता है ये एंड log 3 का वैल्यू होता है ये तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा ओके। तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो log लिख लेते हैं। तो 16 को हम लोग 2 के आकार में लिखेंगे, 2 के आकार में, तो 2 का पावर कितना होने से 16 होता है दोस्तों, 2 का पावर 4 होने से 16 होता है एंड ओवरऑल पावर है 1/5 एंड 5 का पावर है स्क्वायर ठीक है। एंड ये वाला पार्ट है डिवाइड वाला पार्ट, तो इसको डिवाइड आकार में ही रहने देते हैं ओके। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब रह जाएगा 4/5 एंड 5 का पावर है स्क्वायर ओके। चलो अब नीचे क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 108 है, इसको हम लोग एलसीएम करने वाले हैं। 2 से करो तो 54 आता है, 2 से करो तो ये आता है दोस्तों 27, 3 से करो तो 9 आता है, 3 से करो तो 3 आएगा ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड 3 का क्यूब होगा ठीक है। तो 108 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब एंड ओवरऑल पावर है क्यूब ओके। चलो लॉग ऐसा ही रह जाएगा ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे क्या होगा दोस्तों अलग अलग करके लिखते हैं ठीक है। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 6 हो जाएगा एंड 3 का पावर 3 3 जर 9 हो जाएगा ओके। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 ऊपर क्या है दोस्तों 4/5 एंड नीचे क्या है 6, तो ये दोनों 2 क्या है दोस्तों डिवाइड आकार में है तो इसका पावर माइनस हो जाएगा एंड 5 का पावर तो स्क्वायर ही रहेगा, नीचे 3 का पावर 9 ओके। चलो ये हो गया, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग इसको माइनस कर देते हैं ठीक है। 2 तो इसको माइनस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, अगर इसको अलग से हम लोग माइनस करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, 5, 4 माइनस 30, तो ये हो जाता है 26/5। ठीक है, तो 2 का पावर होगा 26/5, ओके, एंड 5 का पावर स्क्वायर रहेगा, 3 का पावर 9 रहेगा, ओके। चलो अब रूल नंबर 1 एंड 2, फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 को अप्लाई करेंगे एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई आकार में है तो ये दोनों प्लस आकार में लिखेंगे, एंड ये क्या है दोस्तों, डिवाइड आकार में है तो इसको माइनस आकार में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह से, 2 का पावर है -26/5, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे होगा log 5 का स्क्वायर, एंड ये वाला पार्ट डिवाइड में है तो इसको माइनस लिखेंगे, 3 का पावर 9, ओके। पावर को सामने ले आओ, 26/5 log 2 प्लस 2 सामने आ जाएगा तो रह जाएगा log 5 माइनस 9 log 3। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे हमें log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का भी वैल्यू पता है, लेकिन log 5 का वैल्यू नहीं पता है, तो ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, log मान लेते हैं 10/5। ठीक है, ये सारे बेसिस को हम लोग 10 मान लेते हैं, ओके। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10/2। ठीक है, 5 को हम लोग 10/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 10/10 एंड log 10/2। ठीक है, log 10/10 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, एंड log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, माइनस करने के बाद क्या मिलता है दोस्तों, देखो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 0.699, ओके। ठीक है, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ओके। तो अभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 26, log 2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.3010, ओके, एंड प्लस 2, log 5 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.699, ओके, एंड माइनस 9, log 3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.4771, ठीक है ना। चलो अभी ये सारे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कितना आंसर रहेगा दोस्तों, 4. चलो मैं आंसर देख लेता हूँ, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो ये पार्ट आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, 4611, ओके। तो ये वाला आंसर आने वाला है इस मैथ में। ठीक है, चलो इसी के जैसा एक होम टास्क ले लेते हैं दोस्तों, जो आप करेंगे अपने घर में, होम टास्क नंबर होगा फोर, क्योंकि 3 होम टास्क लिए हैं। ये क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log, ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, 2.7, उसका पावर है स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.81, उसका पावर है 4/5, एंड आखिर में है 90 का पावर क्या है दोस्तों, 5/4। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा, दिया हुआ है इफ log 3 इज इक्वल टू, कितना है log 3 का वैल्यू दोस्तों, ये वाला वैल्यू 0.4771, ओके। तो ये आप करिएगा, ओके। चलो तो इसको पूरा इरेज कर देता हूँ दोस्तों, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, ओके। चलो लिखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, अगर a टू द पावर 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 5x इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 3x, देन सो दैट x log b बाई a इज इक्वल टू हाफ log a, ओके।
तो यहाँ से हमें इसको प्रूव करना है, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, a टू द पावर 2 माइनस एक्स b टू द पावर 5x इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस 3 एंड b टू द पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, b बाई a निकालना होगा, ठीक है, b बाई a। तो इस फॉर्म को हमें b बाई a में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इधर हम लोग b को रखने वाले हैं एंड इधर हम लोग a को रखने वाले हैं, ठीक है, ओके। एंड ये वाला a इधर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। एंड ये वाला भी अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 3x, ओके। चलो अब क्या करते हैं, ये दोनों b डिवाइड आकार में है तो इसका पावर्स क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा 5x माइनस 3x एंड इधर क्या होगा a x प्लस 3 माइनस 2 माइनस x, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा एंड यहाँ पे a का पावर होगा x प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड x रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या होगा, 2x इजिकल टू इधर करते हैं अगर तो हमें 2x प्लस 1 मिल जाएगा, ओके। अभी क्या करेंगे, b बाई a आकार में हम लोग लिखेंगे, ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ओके। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिख के हम लोग इसको ईजी करने के लिए ये प्लस वाला पार्ट को हम लोग अलग से लिखते हैं, ठीक है। 2x इजिकल टू a 2x मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 1, ओके, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर ऐड होगा तो हमें ये मिल जाएगा, ओके। तो इससे हम लोग इस तरह से लिखे हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर लाइए, ओके, एन इधर रह जाएगा a, ओके, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, बोथ साइड लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे लॉग b बाई a उसका पावर है 2x, ठीक है, दोनों का पावर 2x है, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख दिए हैं। एंड इधर क्या होगा दोस्तों, लॉग a रहेगा, ओके। इसके बाद ये पावर सामने आ जाएगा, लॉग b बाई a इज इक्वल टू लॉग a, ओके। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, x log, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाने से हमें क्या मिलेगा, b बाई a इजिकल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई आकर में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा log a, ओके। तो ये देखो दोस्तों प्रूव हो चुका है, ठीक है, ओके। इसको हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्ट कर लिए हैं, ओके। चलो अब इसके बाद इसी तरह एक होम टास्क ले लेते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा, होम टास्क नंबर क्या होगा, 5 होगा, ओके। क्या है दोस्तों, इफ़ a टू द पावर 3 माइनस एक्स b टू द पावर होगा 5x इजिकल टू a टू द पावर 5 प्लस एक्स b टू द पावर 3x, देन सो दैट क्या दिखाना होगा, x log b बाई a, बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है, log a, ओके। चलो ये आपको सॉल्व करना है एंड मुझे इसका पिक्चर सेंड करना है, ओके, व्हाट्सएप पे। चलो इसको मैं पूरा एडिट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंड मैं क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट को हटा दूंगा वीडियो से, ताकि वीडियो का जो लेंथ है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट, सारे पार्ट हम लोग इरेज कर देंगे, सिर्फ सॉल्यूशन वाला पार्ट मैं रखने वाला हूँ वीडियो पे। एंड कोई भी सवाल अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो रिपीट कीजिएगा, उस सवाल को एक दो बार देखिएगा रिपीट करके,
ओके। एंड उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट पे यहाँ पे लिख सकते हैं, सर इतना नंबर वाला सवाल मैंने समझा नहीं। ओके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, 9 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab देन सो दैट लॉग ए प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो इससे हमें उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैथ को शुरू करेंगे एंड आखिर में उस तक जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ओके, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या लाना होगा, यहाँ पे 3 लाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab माइनस 2ab। ठीक है, 7ab को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7ab को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, देखो ए प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab वाला पार्ट यहाँ पे आप ले आइए, तो यहाँ पे रह जाएगा 9ab। ठीक है, एंड ये क्या हो गया दोस्तों, एक फॉर्मूला हो गया है। ओके, तो देखो ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एंड इधर 9ab रह गया है। ठीक है, तो इस वाला 9 को आप इधर ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 इधर ab। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 9 है। ओके, तो देखो ये वाला पार्ट हमें मिल गया है। ओके, अभी क्या करना होगा, सिर्फ लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। ओके, तो लॉग लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, लॉग ए प्लस बी बाई 3 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ab। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, पावर को सामने ले आएंगे, 2 लॉग ए प्लस बी बाई 3। ओके, ए प्लस बी बाई 3, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई आकार में है तो हम लोग इसको प्लस आकार में भी लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, लॉग ए प्लस लॉग बी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ लॉग ए प्लस बी बाई 3 रखना होगा, तो यहाँ पे इस 2 को हम लोग इधर ले आएंगे, लॉग ए प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सवाल प्रूव। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल इसी के जैसा एक होम टास्क ले लेते हैं, होम टास्क नंबर 6 क्या है दोस्तों, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14ab देन सो दैट लॉग ए प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है, इसी के जैसा इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 7ab को हम लोगों ने 9ab माइनस 2ab लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा ये आप करेंगे। ओके, चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ, तो नेक्स्ट सवाल में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, इफ लॉग एक्स प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई देन सो दैट एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से हमें शुरू करना होगा एंड इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, चलो इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, तो देखो क्या करेंगे, अभी इस 2 को पहले इधर ले आते हैं,
टू लॉग एक्स प्लस वाई बाई फाइव, ओके, एंड इधर रह जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये प्लस आकार में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं। एंड ये जो हम लोगों ने 2 को इधर रखा है, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास, स्क्वायर, एंड इधर रहेगा लॉग एक्स वाई, ओके। तो आप देखो इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा दोस्तों, वैनिश हो जाएगा। तो रह जाएगा एक्स प्लस वाई वाई फाइव उसका स्क्वायर, एंड इधर रह जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे करो स्क्वायर करो, एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड इधर एक्स वाई रहेगा, ओके। चलो अभी यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड 25 एक्स वाई, ओके। एंड यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 एक्स वाई, इस एक्स वाई को इधर लाइए, ओके। चलो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 23 एक्स वाई, ओके। तो इस एक्स वाई को आप अगर यहाँ ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई स्क्वायर एक्स वाई 23, लेकिन हमें निकालना है ये, तो क्या करेंगे अभी अलग अलग कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे देखो नीचे एक्स है ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ एक्स, नीचे वाई। तो यहाँ पे ऊपर है वाई स्क्वायर है, नीचे है वाई, तो वाई वाई कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ वाई एंड नीचे रह जाएगा एक्स इक्वल टू 23। तो हमारा आंसर प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया है दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो 2 को यहाँ पे लाया, ओके, एंड 2 को उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, एंड ये प्लस वाला पार्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई आकार में लिख लिया यहाँ पे, तो दोनों तरफ लॉग मिल जाता है हमें, तो लॉग लॉग वेनिश हो जाएगा, तो रह जाएगा ये वाला पार्ट, एंड इसको हम लोगों ने फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई किया है, 5 का स्क्वायर 25, ओके, देन हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है, ठीक है, 25 को इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है, ओके। 2xy को बाद में हम लोगों ने इधर ले आया, तो हमारे पास मिल गया है 23xy, ठीक है। एंड xy को अगर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, इधर क्या है 23 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि xy को हम लोगों ने दोनों के नीचे अलग अलग से लिखा, ओके। चलो तो इसी के जैसा एक होम टास्क ले लो दोस्तों, होम टास्क नंबर 6 होगा आई थिंक, देखो बिल्कुल इसी के जैसा है, इफ लॉग एक्स प्लस वाई बाई 7 है, ठीक है, इजिकल टू हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, देन सो दैट एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इजिकल टू 47, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। चलो ये था सवाल नंबर 10, और भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आज वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाले पार्ट को मैं इरेज कर दूँगा, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो वो वाला पार्ट मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहा गया है, इफ
log p base x is equal to a and log q base x is equal to b, then prove that log p by q base x is equal to a b by b minus a। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखो बेस क्या है दोस्तों, p by q, लेकिन हमें वैल्यू दिया गया है जहाँ पे p बेस है एंड q बेस है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम लोग इसको अगर इस तरह से लिखे तो हमारा जो बेस है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके, एंड ये p by q हो जाएगा, ठीक है ना, बेस चेंज करा हमने यहाँ पे, ठीक है, 1 by कर दिया तो बेस चेंज हो गया है। अभी क्या करेंगे, ऊपर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये डिवाइड आकार में है तो ये माइनस आकार में आ जाएगा, लॉग एक्स बेस पी माइनस लॉग एक्स बेस क्यू। लेकिन हमें क्या दिया गया है दोस्तों, देखो यहाँ पे पी बेस एक्स इजिकल टू ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स बेस पी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं, लॉग पी बेस एक्स इजिकल टू ए, तो हम लोग अगर इसको इस तरह से लिखते हैं लॉग बेस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो लॉग एक्स बेस पी का वैल्यू होगा 1 by a। बिल्कुल सिमिलरली लॉग क्यू बेस एक्स का वैल्यू होगा 1 by b, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू लगा लो 1 by a माइनस 1 by b, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऊपर 1 रहेगा एंड नीचे ए बी हो जाएगा तो b माइनस ए, देन उसके बाद ये ए बी ऊपर चला आएगा ए बी एंड रह जाता है b माइनस ए, ठीक है, तो ये भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये था, लेकिन हमें दिया गया था कुछ इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे p बेस था q बेस था, लेकिन यहाँ पे p by q बेस था, तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, चेंज करने से हमें x बन जाता है हमारा बेस, ओके, तो यहाँ पे इस तरह से, यानी ये दोनों डिवाइड आकार में है इसलिए हम लोगों ने इसको माइनस आकार में लिख लिया, फॉर्मूला नंबर 2 आपको याद होगा, ओके। एंड देखो दोस्तों यहाँ पे बेस आ गया है x, लेकिन हमें दिया गया है बेस है p एंड q, ओके, तो हम लोगों ने इन दोनों वैल्यू को चेंज कर लिया कुछ इस तरह से, इसको हम लोग अगर 1 by लिखते हैं तो हमें बेस चेंज हो जाएगा, x बन जाएगा इसका बेस, ओके, तो वैल्यू मिल जाएगा 1 by a। एंड अगर q की बात करें, q को अगर हम लोग बेस बनाते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 by b, ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट करा, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिल गया है, ठीक है ना। चलो अब सबसे आखिरी सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक होम टास्क दूंगा एंड आज का क्लास फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, कौन सा लू, थोड़ा सा टफ वाला ले लेते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट वाला। देखो सवाल नंबर 12 क्या कहा गया दोस्तों, इफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बी सी एंड वाई इज इक्वल टू लॉग बी बेस सी ए एंड जेड इज इक्वल टू क्या गया है दोस्तों, लॉग सी बेस ए बी, ओके, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देन सो दैट एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें प्रूव करना क्या है दोस्तों, अगर x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है 1 by x plus 1 प्लस 1 by y plus 1 प्लस 1 by z plus 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, x प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा, ओके, y प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा एंड z प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हमें पता है
कितना log a बेस बी सी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वन, तो इधर भी प्लस वन करना होगा, log a बी सी प्लस वन, ओके ठीक है ना। चलो अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, log a बी सी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं log a बेस a। ए बेस ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, वन ही होगा, क्योंकि बेस एंड नंबर सेम है, ठीक है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे कि हमारा वैल्यू वन मिलेगा, ओके। तो ये दोनों प्लस आकार में है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं। तो लॉग बेस ए एंड ये तीनों अगर मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी सी बन जाता है, ओके। इसी तरह से अगर हम लोग वाई प्लस वन का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस क्या है बी एंड ये दोनों मिलेगा, ठीक है। एंड जेड प्लस वन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, सी ए बी सी, ठीक है, ओके। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने वाई प्लस वन का एंड जेड प्लस वन का वैल्यू निकाला है सिमिलरली। चलो अब हमें एक्स प्लस वन का वैल्यू मिल चुका है, हमें y प्लस वन का वैल्यू मिल चुका है एंड z प्लस वन का वैल्यू भी मिल चुका है। तो हम लोग अभी वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, गिवन नहीं लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये है लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वन प्लस y प्लस वन प्लस z प्लस वन, ओके। तो यहाँ पे आप x प्लस वन का वैल्यू पुट करो, क्या होगा, log a a b c, ठीक है, प्लस log b a b c प्लस log c a b c, ओके। तो इसको अगर हम लोग उल्टा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बेस चेंज हो जाएगा, log a b c ये हो जाएगा a, प्लस यहाँ पे log ए बी सी इसका बेस भी चेंज हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा इस तरह से, एंड यहाँ पे लॉग ए बी सी इसका ये मिलेगा हमें, ठीक है। एंड ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों का बेस सेम है एंड तीनों प्लस आकार में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई आकार में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ए बी सी एंड ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो ऊपर भी हमें ए बी सी मिलता है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, बेस एंड नंबर इक्वल हो गया है तो वन मिला है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलो अब इसी का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग चेंज कर दें, ठीक है, इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, उसको भी मैं करा देता हूँ, देन उसके बाद होम टास्क लेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू ये होता है, y का वैल्यू ये होता है एंड z का वैल्यू ये होता है, तो हमें प्रूव करना होगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो एक्स प्लस वन का वैल्यू तो आपको निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वन का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला दोस्तों, लॉग ए ए बी सी, ठीक है। वाई प्लस वन का वैल्यू भी हमें पता है, लॉग ए सॉरी यहाँ पे बेस होगा बी ए बी सी, एंड जेड का वैल्यू भी हमें पता है, हम लोगों ने निकाला है उसको, ठीक है, ओके। एंड हमें ये भी पता है एक्स प्लस वन वाई प्लस वन प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ओके। तो इन सारे वैल्यू को हम लोग यूज़ करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ओके। चलो क्या करेंगे दोस्तों, अभी तो इसी वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वन वाई प्लस वन
जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स प्लस वन को इधर रखो, वाई प्लस वन को इधर रखो एंड वन माइनस इधर ले आते हैं जेड प्लस वन को। ठीक है, ओके, अब क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, इसको माइनस करना होगा। चलो फटाफट से करो, ये वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा। कैसे करेंगे, एक्स प्लस वन एलसीएम कितना होगा, इतना ही होगा, तो एक्स प्लस वन कट जाता है तो ऊपर रहेगा। ओके, ये प्लस यहाँ पे वाई प्लस वन कट जाता है तो रहेगा एक्स प्लस वन, एंड इधर अगर करते हैं तो जेड प्लस वन, तो वन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा जेड प्लस वन माइनस वन। ओके चलो, अभी क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे वाई प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, एंड नीचे ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन, एंड यहाँ पे वन वन कट जाएगा तो रह जाएगा जेड, एंड यहाँ पे रहेगा जेड प्लस वन। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, अभी वन प्लस वन अगर करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टू। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला जेड प्लस वन इज इक्वल टू, इधर जेड था एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है ना, अभी फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक्स जेड, ठीक है, एक्स के साथ अभी वन को मतलब प्लस एक्स। ठीक है, अभी वाई के साथ जेड को अगर करते हैं तो प्लस वाई जेड, एंड वन के साथ करते हैं तो प्लस वाई, वैसे ही जेड को अगर हम लोग लेते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या है दोस्तों, ये टू है। ठीक है, ये टू, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये टू है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू जेड। ठीक है, टू जेड प्लस टू प्लस टू। ओके, एंड इसके बाद इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए जेड के साथ, तो इधर आपको मिल जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखेगा शायद, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको जेड के साथ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस जेड एक्स, मतलब एक्स जेड एंड वाई जेड प्लस जेड के साथ अगर वन मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड मिलेगा। ओके चलो, यहाँ पे देखो दोस्तों, इक्वल साइन के इधर भी एक्स जेड है, इधर भी एक्स जेड है, तो ये दोनों कट जाएगा, एंड क्या रहेगा हमारे पास, वाई जेड भी कट जाएगा। ओके, तो इधर रहता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड। ठीक है, प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड रहता है राइट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, इस जेड को इधर ले आओ, जेड प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई, टू जेड से जेड माइनस करो तो जेड रह जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इतना ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल इतना ही हमें प्रूव करना था। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक्स प्लस वन का वैल्यू निकाला, यहाँ पे वाई प्लस वन का वैल्यू निकाला, जेड प्लस वन का वैल्यू निकाला, एंड हम लोगों को इतना पता था प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये करा था। ठीक है, तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा। ओके, जेड प्लस वन वाला वैल्यू को हम लोग इधर ले गए, माइनस हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्लस करा, इसको माइनस करा, माइनस करने के बाद जो सारे मिला हमें उसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल किया, तो कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरह से हमें पूरा मिल गया। ओके, तो चलो अब एक होम टास्क लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का होम टास्क क्या रहेगा, आपके पास अगर कोई भी मैथ बुक होता है तो वहाँ से आप
पांच प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, एंड मुझे सेंड कीजिएगा। लॉगरिथम से पांच प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा एंड मुझे सेंड कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफिकल्ट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड क्लास अगर अच्छा लगा है क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।